क्राइम ब्रांच यूनिट 4 की टीम ने गुप्त जानकारी के आधार पर छापामार कार्यवाही कर 42,490 रुपए की अवैध शराब जब्त की है। क्राइम ब्रांच के यूनिट 4 को अवैध शराब की तस्करी रेशम पार्क परिसर में हो रही है, ऐसी गुप्त जानकारी मिली। उसी के आधार पर कार्यवाही कर अंग्रेजी शराब ऐसा कुल मिलाकर 42,490 रुपए के माल के साथ साथ आरोपी ज्ञानेश्वर भिंडी को हिरासत में लिया है। इसमें ऐसा है कि हमारा जो क्राइम टीम एक टीम का एक जो पतक था वो अभी क्राइम सिग्नल सर्चिंग में था, व्यस्त था। उस दौरान एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि रेशम बाग हेडग्वार भवन के पीछे से कोई एक आदमी है जो व्हीकल पे ऊपर जो भी लीकर का आने जाने का काम कर रहा है, लेके जाने का काम कर रहा है। उस हिसाब से हम लोगों ने उस पर श्योर किया। श्योर करने के बाद में मैंने टीम भेजा, तो टीम भेजने के बाद में वहाँ पे एक हमको एक्टिवा पे एक आदमी मिला सस्पेक्टेड, जिसके पास में इंग्लिश दारू है, पूरे मैकडोल के कुछ खम्भे हैं और कुछ ऐसा टोटल जो 42,490 रुपये का माल है, जिसमें आरोपी है ज्ञानेश्वर भिंडे। और इसने जो ये माल है सुरुचि वाइन शॉप से लिया था और वो प्रिया बार है, प्रिया बार रेशम बाग का, वहाँ पर वो लेने के देख के जाने के लिए लेके गया था। तो हिसाब से हमारा वो आरोपी को हमने अभी अरेस्ट किया है, मुद्देमाल भी हमारे ताबे में है। हम इसमें अभी आगे जा इसको भी एक्यूज कर रहे हैं सुरुचि वाइन शॉप के ओनर को, कि जिसने माल दिया उसने माल कैसा दिया विदाउट परमिटेड, और प्रिया बार में वो कैसा क्या लेकर जा रहा था, उस हिसाब से हम इसमें इंक्वायरी करेंगे। इसका भी हमने रिकॉर्ड निकाला है, लेकिन इसके ऊपर कोई ऐसे गुनाह है नहीं। लेकिन ये काम करता है, लेकिन आउटडोर अगर करता होगा, आउटसाइड करता होगा, तो उस हिसाब से हम इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे। आरोपी ने ये माल सुरुचि वाइन शॉप से लेकर रेशम बाग से प्रिया बार में लेकर जा रहा था। अब इस मामले में क्राइम ब्रांच आगे की जांच में जुटी है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।